नमस्कार दोस्तों, आज बात करूंगी बिहार के गुदरी के लाल, बहुत ही गरीब घर में जन्मे डॉक्टर वशिष्ठ नारायण, जो कि एक महान गणितज्ञ हुए। वशिष्ठ नारायण सिंह का जन्म बिहार के वसंतपुर गांव में 2 अप्रैल गलत पढ़ाने पर गणित के अध्यापक को जो है बीच में ही टोक दिया करते थे। इसकी जानकारी होने पर जब प्रधानाचार्य ने उन्हें अलग बुलाकर परीक्षा ली तो उन्होंने सारे सवालों के सही जवाब जो है दिए। पटना कॉलेज ने डॉक्टर वशिष्ठ नारायण के कारण अपना नियम भी बदले। उस समय के डॉक्टर एस एन नागेंद्रनाथ, जिन्होंने सी वी रमन के साथ काम किया था, उन्हें 1 साल में BSc और 1 साल में MSc की परीक्षा में बैठने की अनुमति दी थी, जिसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वे अमेरिका गए और फिर बाद में जो है देश का नाम रोशन किया। 1969 में नासा का अपोलो मिशन लॉन्च हुआ था, तब पहली बार इंसान को चांद पर भेजा गया था, लेकिन मिशन के दौरान कुछ देर के लिए कंप्यूटर बंद हो गए। उस वक्त वशिष्ठ नारायण ने गणित लगाकर हिसाब निकाला। बाद में जब कंप्यूटर चालू हुए तो वशिष्ठ नारायण सिंह और कंप्यूटर का कैलकुलेशन बिल्कुल एक समान था। उन्होंने आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत को भी चुनौती दी थी। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉन एल केली ने उन्हें अमेरिका गए और कोलंबिया के इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में वे पढ़ाया करते थे। बताते हैं कि उनकी कहानी अमेरिका के महान गणितज्ञ जॉन नेश से मिलती जुलती है, जिनके ऊपर हॉलीवुड में जो है एक शानदार मूवी भी बनी थी, अ ब्यूटीफुल माइंड। वशिष्ठ नारायण 1971 में भारत लौट आए थे। इसके बाद उन्होंने पहले IIT कानपुर, बॉम्बे और फिर ISI कोलकाता में नौकरी की थी। 40 साल से मानसिक बीमारी सिजोफ्रेनिया से पीड़ित थे और साल उनका अंतिम समय गुमनामी में बीता। साल 2019 में उनका निधन हो गया, मगर लोग आज भी उन्हें याद करते हैं। तो ये थे बिहार के महान गणितज्ञ, जिनके लिए पटना विश्वविद्यालय ने अपना नियम को बदला था। उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।